हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, ये देखिए केमिस्ट्री का पार्ट फोर ले आया हूं। ये पार्ट फोर है। इससे पहले मैं पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ये पूरा पार्ट जो है मैं अपलोड कर चुका हूं। आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। आप अगर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, जो भी ऑब्जेक्टिव का, वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं बता दूं कि पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री जो स्टूडेंट्स नए हैं उसको यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में पार्ट फोर का सॉल्यूशन लाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो में दिया गया है इन द रिएक्शन सीक्वेंस C6H5CHCS से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड CH3 अल टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ये दिया गया है कैटलाइज्ड के तौर पर। और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे प्रोडक्ट पूछ रहा है, ये प्रोडक्ट क्या होगा। तो चलिए ये ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन में देखिए यहाँ दिया गया है C6H5C OH CH3 पहला ऑप्शन है, जिसको ए। बी में देखिए C6H5CH CH2 ये दूसरा ऑप्शन है। सी में दिया है C6H5CH2CHO ये तीसरा ऑप्शन है। और डी में दिया गया है नन ऑफ दिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ये ए हो जाएगा, C6H5C OH CH3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखिए हम क्या दिया गया है। LiAlH4 Which will be not reduced by, कौन जो है LiAlH4 से reduced नहीं होगा। A में देखिए नंबरिंग गलत किया गया है, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं नंबरिंग थोड़ी सी गलत की कर दी गई है। तो A में देखिए CH3C2 से डबल बॉन्ड OCH3 जुड़ा हुआ है। B में देखिए CH3CHO दिया है, एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पे C में देखिए CH3CH2NO2 एंड बेंजीन से NO2 ग्रुप जुड़ा है। तो कौन जो है LiAlH4 से रिड्यूस्ड नहीं होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा CH3CHO। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश सभी का तैयारी कराई जाती है। बिहार बोर्ड 2020 में जो आप सभी का एग्जाम होने जा रही है उसमें आपको इस चैनल पर आपको सभी चीज़ की तैयारी कराई जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारा चीज़ करते हैं। लेकिन हिंदी इंग्लिश का जो है दिसंबर जनवरी के समय में तैयारी करें, लेकिन आप हिंदी इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी 200 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री में देखते हैं क्या कर रहा है। दिया गया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स ब्लड रेड कलरेशन विथ विक्टर मेयर टेस्ट व्हेन दिस कंपाउंड वेपर इज पास्ड थ्रू CU ट्यूब एट 300 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूसेस। ए में दिया गया है एल्डिहाइड, बी में दिया गया है कीटोन, सी में दिया गया है कार्बो ऑक्जिलिक एसिड एंड डी में दिया गया है बेंजिक। तो थ्री का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे सी दिया गया है, लेकिन आप इसको सही कर लिए, ये ऑप्शन ए है। तो ये जो थ्री का ऑप्शन सही हो जाएगा एल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। यहाँ पे एक बेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको टॉलिन भी बोलते हैं। आपको कैटलाइज्ड के तौर पे दिया गया है CH3Cl और AlCl3। आपको प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा ये आपको बताना। देखिए ये रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़्यादा अधिकतर मात्रा में पूछा जाता है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं। तो देखिए इसमें ए में दिया गया है CH3 दो जो है पी जैलिन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेंजीन से दो CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जैलिन भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे देखिए बेंजीन से दो CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ से बेंजीन से दो CH3 जुड़ा है, लेकिन तीनों का क्या है अलग अलग पोजीशन पे है। एक पैरा पोजीशन पे है, एक ऑर्थो पोजीशन पे है और एक मेटा पोजीशन पे है। तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चार का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ए हो जाएगा। बेंजीन से CH3 और CH3 जुड़ा रहेगा और ये दोनों CH3 पैरा पोजीशन पे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फाइव में देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए यहाँ पे दिया गया है टोलेंस रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग ए में एल्डिहाइड, बी में कीटोन, सी में 1 डिग्री एमीन एंड डी में 1 डिग्री अल्कोहल। तो फाइव का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा एल्डिहाइड। टोलेंस रिएजेंट जो है किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए होता है, तो एल्डिहाइड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। डिटोल कंसिस्ट ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिटोल किस किस के कंपोजिशन से बना हुआ है या कौन कौन से इसमें कंपोजिशन रहता है। तो सिक्स का देखिए यहाँ पे ए में क्रिसोल प्लस इथेनॉल, बी में जेलिनॉल प्लस टर्पेनॉल टर
पिनियोल सेम दिया गया है क्लोरोक्सीफिनोल प्लस टर्पेनियोल, और डी में दिया गया है नन ऑफ दिच। तो सिक्स का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी, क्लोरोक्सीलेनॉल प्लस टर्पेनियोल। चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिए दिया गया है टेफ्लॉन इज ए पॉलीमर ऑफ द मोनोमर, किस मोनोमर का जो है टेफ्लॉन एक पॉलीमर है। तो ए में दिया गया है एफ सी एच डबल बॉन्ड सी एच एफ, दोनों तरफ से एफ ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें भी दोनों एक तरफ से एफ, इसमें एक तरफ से सी एल ग्रुप जुड़ा है, इसमें दोनों तरफ से सी एच सी एल से सी एल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे डी में देखिए एफ जो है चारों तरफ से जुड़ा हुआ है सी पे, तो इसको सी टू एफ फोर भी कहा जाता है। तो देखिए सी टू एफ फोर भी कह सकते हैं। देखिए सेवन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ये सी टू एफ फोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जी फ्रेंड्स सेवन का डी हो जाएगा। एट में चलते हैं। एट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, एट में दिया गया है आर एन एस टू, और यहाँ पे देखिए सी एच कैटलिस्ट दिया गया है सी एच सी एल थ्री और के ओ एच, इसको हीट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो बताना है। यहाँ पर देखिए ए में दिया गया है एन एस से दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए मिथाइल से साइनाइड ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर मिथाइल से आइसोसाइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल से अल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो एट का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी, मिथाइल से आइसोसाइनाइड ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन। यहाँ पे दिया गया है आई लेंस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, ए में दिया गया है पी वी सी, थोड़ा नंबरिंग गलत हो रही है, नंबरिंग यहाँ पर डी कर दिया लेकिन ये ए होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ए में दिया गया है पी वी सी, बी में दिया गया है टेफलॉन, सी में दिया गया है बूना एंड डी में दिया गया है पी एम एम ए। तो नाइन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पी एम एम ए। चलिए टेन नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। टेन नंबर क्वेश्चन में विच कंपाउंड डज नॉट परफॉर्म कैनिजारो रिएक्शन एमोंग, बेंजीन से सी एच ओ ग्रुप जुड़ा है, ए में दिया गया है, सॉरी यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देखिए विच कंपाउंड डज नॉट परफॉर्म कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन कौन सा कंपाउंड नहीं शो करेगा। तो ए में दिया गया है एच सी एच ओ, बी में दिया गया एक बेंजीन से सी एच ओ ग्रुप जो रहा है जिसको बेंजल डीहाइड भी बोलते हैं, यहाँ पे सी एच थ्री सी एच ओ और यहाँ पे सी सी एच ओ और सी से जो है तीन मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो नाइन का जो सॉरी टेन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी एच थ्री सी एच ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, विच कंपाउंड डज नॉट गिव कलरलेस गैस, कौन सा कंपाउंड जो है जो कलरलेस गैस नहीं देता है। तो ए में दिया गया है सी यू एन ओ थ्री होल टू एस, बी में दिया गया है एन ए एन ओ थ्री, सी में दिया गया है सी ए एन ओ थ्री होल टू एस एंड डी में दिया गया है ए एल एन ओ थ्री होल टू एस। तो 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी एन ए एन ओ थ्री, ये हो जाएगा सही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, अमोनिया गैस इज पास्ड थ्रू एक्वस सी यू एस ओ फोर सोल्यूशन प्रोड्यूसेस डीप ब्लू कलरेशन, द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ फॉर्मर डीप ब्लू कलरेशन इज, एम दिया गया सी यू एस ओ फोर एन एस थ्री, बी में दिया गया है सी यू एस ओ फोर फोर एन एस थ्री, सी में दिया गया है सी यू एन एस थ्री होल फोर एस ओ फोर सी यू एन एस थ्री, डी में देखिए दिया गया है सी यू एन एस थ्री होल सिक्स एस ओ फोर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी सी यू एन एस थ्री होल फोर एस ओ फोर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन में यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट एनावर्स सॉल्यूशन द कंपाउंड फॉर्मड आर, क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट एनावर्स सॉल्यूशन द कंपाउंड फॉर्मड आर, यहाँ पर ये पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर 13 में ए में दिया गया है एन ए सी एल, बी में दिया गया एन ए ओ सी एल, सी में दिया गया एन ए सी एल प्लस एन ए सी एल एंड एन ए ओ सी एल और डी में दिया गया एन ए सी एल प्लस एन ए सी एल ओ थ्री। तो 13 का जो फ्रेंड सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी एन ए सी एल प्लस एन ए ओ सी एल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें क्या है, सोडियम इज हीटेड विथ अमोनिया गैस द प्रोड्यूस्ड कंपाउंड इज, ठीक है फ्रेंड्स प्रोड्यूस्ड कंपाउंड इज, ए में दिया गया है एन ए थ्री एन, बी में दिया गया है एन ए एन एच टू, सी में दिया गया है एन एच टू एन एच टू और डी में दिया गया है एन थ्री एच। तो 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा
बी एन ए एन एच टू। तो फ्रेंड्स मैं आपसे इससे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं बहुत सारा वीडियो इसी मोटिवेट रहने के वजह से ही बना पाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जम के तैयारी कीजिए।